एक्शन मोड में बुलंदशहर पुलिस, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, दो अपराधी पुलिस की गोली से हुए घायल, तीसरे अपराधी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक वक्त था जब यूपी सरकार की काफी किरकिरी हो रही थी बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराधियों के बुलंद हौसलों को लेकर, लेकिन अब वक्त बिल्कुल उलट गया है। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ मुठभेड़ के चलते अब तो अपराधियों को अपनी मान से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है। बुलंदशहर में एक बार फिर पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ का दावा किया है। तारीख 23 फरवरी 2018, जगह अमरगढ़ रोड, थाना जहांगीराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। यूपी की बुलंदशहर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। बुलंदशहर की जहांगीराबाद पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दो बदमाशों को पुलिस की गोली भी लगी है। वहीं बदमाशों की एक गोली पुलिस की जीप से टकरा कर एसओ जहांगीराबाद को जा लगी। गनीमत यह रही कि एसओ जहांगीराबाद ने उस वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। दरअसल बुलंदशहर की जहांगीराबाद पुलिस अमरगढ़ रोड पर रात के वक्त चेकिंग कर रही थी। वहीं पुलिस को पुलिया की ओर से एक बाइक आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस ने बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस टीम पर गोली चलाते हुए जंगल की ओर भाग खड़े हुए। सायंकाल लगभग 7 बजे से हमारी पुलिस टीम करौंजी पुलिया पर चेकिंग कर रही थी अमरगढ़ रोड पर। उसी दौरान थाने की भी जीप से फोर्स वहां पर गई हुई थी। चेकिंग में शरीक होने के उपरांत एक मोटरसाइकिल जो नहर की पटरी से होती हुई जहां पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी पुलिया पर, वहां पर जैसे ही पहुंची है पुलिस वालों ने उस पर हाइलोजन लाइट डाली है, टॉर्च से लाइट जैसे ही मारी उन्होंने छूटते ही पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। फायर करते ही गोली पुलिस की जीप में लगी, बोनट में सुराख हो गया और बाल बाल पुलिस की टीम बची। तुरंत उन्होंने पोजीशन लिया और बदमाशों की घेराबंदी और पीछा करना शुरू किया। बदमाश अपनी मोटरसाइकिल से बैक होते हुए सीधे बम्बे की ओर भागे। लगभग 1.25 किलोमीटर दूर जाकर के उन बदमाशों की मोटरसाइकिल उस पटरी पर गिर जाती है और एक बदमाश सीधे पटरी पर भागता है, दौड़ता है और दो बदमाश खेतों की तरफ भाग निकलते हैं। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 1.5 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी है, जबकि तीसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो पुलिस टीम पीछा कर रही थी उसके द्वारा पीछा किया जाता है। बदमाशों ने जबरदस्त फायरिंग की पुलिस के ऊपर, पुलिस के द्वारा भी फायरिंग हुई। इसमें दो बदमाश जिनके पैर में गोली लगी हुई है, नाम बताते हैं सर, जो और एक बदमाश जिसका कारतूस फायरिंग करते समय मिस हो गया, फायर नहीं हुआ, वो तीन की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से दो घायल हुए हैं पुलिस की गोली से। और इसमें अकरम और करण नाम के जो दो बदमाश हैं इनके पैर में गोली लगी है। इनके ऊपर क्रमशः 6 मुकदमे और 9 मुकदमे हैं, जिनमें कई एक लूट के हैं, मर्डर भी है, गैंगस्टर एक्ट भी है। कई सालों से ये अपराध में सक्रिय थे। और तीसरा जो अजय नाम का अभियुक्त है, ये बिना इसका तमंचा मिस हो जाने की वजह से ये पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि बीते दिनों बदमाशों ने जहांगीराबाद में स्थित पीएनबी बैंक के आगे लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो पकड़े गए तीनों बदमाशों पर लूट, हत्या जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इन बदमाशों ने पूछताछ पर बताया है कि जो अभी हाल में ही इसी महीने में 12 तारीख के करीब एक घटना हुई थी, जिसमें 75,000 रुपए की लूट इनके द्वारा की गई थी पंजाब नेशनल बैंक के पास एक व्यापारी से जी। उसमें से लगभग इनके पास से 34,760 रुपए उस लूट के बरामद हुए हैं। तीनों के पास से तमंचे बरामद हुए हैं और एक बाइक बरामद हुई है। बाइक के संबंध में आगे जानकारी की जाएगी कि किस तरीके की है।
चोरी की है या लूट की है, कहां की है, क्या है। इससे पहले भी बुलंदशहर पुलिस अपराधियों का शिकार करती रही है और लगातार अपराधियों में बुलंदशहर पुलिस का खौफ काबिज हो रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस को इन अपराधियों से और क्या क्या जानकारी हासिल होती है। गुनाह के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।